आप आए किधर से? आए किधर? हाँ, किधर से आए आप? पाकिस्तान। नहीं, आप गाजियाबाद कौन थे? शिया हैं आप? नहीं जी, मतलब हम मानते हैं खुदा रसूल को। आप भाई खुदा रसूल को छोड़े, आप शिया हैं? आप इधर ज्यारत पे आए हैं? आप ये काम कर रहे हैं? मैं एक मिनट आपकी फोटो ले रहा हूँ। ये देखे सर, ये इस बंदे को कोई चीज नहीं पता। इधर देखो ना, इधर देखो, फ्रॉड आदमी निकल रहा है पाकिस्तानी बना के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद मूसा कादिम बुखारी, मैं अरवईन 2022 के सिलसिले में इराक आया हूँ। तो मैं भी करबला आ रहा था और यहाँ पे ट्रैफिक जैम थी, तो यहाँ पे ये जो बुजुर्ग आपको दिखाए हैं, ये यहाँ पे भीख मांग रहे थे। तो मेरे साथ ये ड्राइवर है, ये इराकी, इन्होंने आगे मुझे इन्होंने कहा कि ये तुम्हें बताऊं, हंस के आगे से कहते हैं ये पाकिस्तानी है, यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। तो मैंने सिर्फ उससे ये पूछा है, मैंने कहा कि तुम इधर आए हुए हो, तुम किस होटल में हो? उसके जवाब बड़े मशकूक थे और उसकी बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि वो फिका जाफरिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो शिया भी नहीं। तो ये इस तरह के स्कैमर्स आए हुए हैं इराक के अंदर, बराए मेहरबानी ये कहेंगे कि जी पैसे खत्म हो गए, हमारे पासपोर्ट गुम गए। आपको मैंने ये वीडियो दिखा दी है, इस वीडियो में आप देख लेंगे। उनको मैंने पूछा हजरत आजिब बास कौन थे, उसे कोई आइडिया नहीं। मैंने कहा आप शिया हो? उसने कहा मैं अल्लाह रसूल को, अभी जो चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका वो और थी कि उसको आइडिया ही नहीं। मैंने कहा आप रोजा किधर, इधर किसका रोजा है जी? वो गुम्बत है, वो दो गुम्बत है, वो ये है, वो गुम्बत है, वो गुम्बत के पीछे। इस तरह की बातें जो एक जो मोमिन अगर कोई पाकिस्तान में भी हो, उनको भी पता है कि यहाँ पे किनका, करबला में किनके रोजे हैं। और ये साहब को पता नहीं था और ये यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, ये पाकिस्तानियों का नाम भी खराब कर रहे हैं और यहाँ पे इमाम हुसैन के नाम पे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे सफर इश्क है, लोग इमाम हुसैन के दीवाने हैं, उनका नाम लेके हम जो भी कहेंगे लोग दे देंगे। तो इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचे। अगर आपसे कोई भीख मांगे, अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पे जी मेरे पैसे खत्म हो गए, उनसे जरूर तहकीक जरूर करें, उन्हें दें, लेकिन तहकीक करें कि क्या वो सच में, क्योंकि यहाँ पे बकायदा पूरे पूरे ग्रुप्स लाए जाते हैं इराक में वीजे लगा के उनके, कि यहाँ पे आके आपने भीख मांगनी, और उस भीख की एक परसेंटेज होती है जो इन लोगों को मिलती है और बाकी जो पीछे से इनको भेजते हैं उन लोगों को ये पैसे जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जो ड्रामेबाजी शुरू हुई है ये खत्म हो, और कोशिश करें कम अज कम इस अरबईन पे हम किसी न किसी को बचा सकें कि इस तरह के फ्रॉड से बच जाए।